नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जब मंच से बोल रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा डर किसी को लगता है तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कि आखिरकार आज राहुल गांधी कुछ ऐसा न बोल दें कि हमें शाम को पब्लिक शो में जा करके, जो न्यूज चैनल है उस शो में जा करके कहीं ऐसा ना हो जूते खाने पड़े। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने मंच पर ही कांड कर दिया और पब्लिक ने बरसाए जूते। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी की पूरी वीडियो। आपको याद करिए, ये वही राहुल गांधी, ये वही कांग्रेसी, वही सोनिया गांधी है जो भगवान राम के होने का सबूत मांगती थी और कहती थी भगवान राम काल्पनिक हैं और रामायण काल्पनिक किताब है और राम सेतु पर सवाल खड़े किए थे। और आज उसी राम ने कांग्रेस का राम नाम सत्य कर दिया। लेकिन बची खुची जो कांग्रेस है वो अब राम नाम सत्य करने के बाद कृष्ण पर बौखला गई। कुछ देर रुकिए, आपको आज वीडियो जो दिखाने जा रहा हूं वो आज आपका जो चश्मा आपने चमचे गिरी का अगर आपने ओढ़ रखा है, पहन रखा है, तो वो सब कुछ उतर जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हर एक फोन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए, क्योंकि ये जो सच है ये हर एक फोन तक पहुंचना आवश्यक है। चलिए बताते हैं पूरी की पूरी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी, उसके नेताओं का हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, आप बता दें, और उनके बेटे राहुल गांधी समय में यह चरम पर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारिका के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2024 में भगवान श्री कृष्ण के जलमग्न शहर द्वारिका के अवशेषों की पूजा करने का मजाक उड़ाया है। पहले आपको एक दिखा देते हैं, आखिर राहुल गांधी ने बोला क्या है, वो सुन लीजिए आप। आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा। यह महाराष्ट्र की एक जनसभा है जहां राहुल गांधी वहां पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कभी वो आपने समुद्र के नीचे दिखेंगे, वो पूजा करते हुए वहां पर मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे हैं समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह कटाक्ष प्रधानमंत्री पर नहीं था। राहुल गांधी, अब आप सभी से चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और राधे राधे कहकर राहुल गांधी को तमाचा, क्योंकि जय श्री राम पर राहुल गांधी का राम नाम सत्य हुआ है, अब राधे राधे से राहुल गांधी का काम तमाम होगा। आगे दिखाते हैं, अभी तो रुकिए, अभी तो ट्रेलर था, अभी जूता पड़ना तो अभी बाकी है पूरे वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने हर एक हित मित्र पर को पहुंचा दीजिए, क्योंकि ईवीएम का बटन दबाना है तो श्री कृष्ण विरोधी, भगवान राम विरोधी, हिंदू विरोधी कठमुल्लों को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। कठमुल्ले मतलब कट्टरता से भरे हुए मुल्ले, क्योंकि राहुल गांधी किस ब्रीड के हैं इन्हें पता। अब आपको लग रहा होगा मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, मैं इस बात से वाकिफ नहीं रखता हूं, मैं इस वक्तव्य से अपने आप को अलग करता। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारिका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की नगरी के दर्शन किए थे और श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी जहां जलमग्न हुई थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोता लगा तक समुद्र में जाकर द्वारिका जी के दर्शन पूजा किए थे।
प्रधानमंत्री पानी के नीचे श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए अपने हाथ में साथ में मोरपंख ले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना मुझे बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और अशाश्वत भक्ति से के एक प्रमुख एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समुद्र के अंदर कोई मंदिर भी नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को जूते मारते दिख रहे हैं और मंच पर वहां पर उनकी कुटाई करते हुए दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राम मंदिर के बाद द्वारिका के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता किस हद तक हिंदू धर्म विरोधी हैं आपको बता देते हैं। राहुल गांधी गुजरात में मंदिर दर्शन के लिए गया हुआ था। उसके बाद मंदिर दर्शन के बाद राहुल गांधी ने माफी मांगी थी। जी हां, 12 तुगलक लेन स्थित अपने निवास पर राहुल गांधी ने लगभग 2 घंटों तक मुस्लिमों से बातचीत की थी। इस दौरान मुस्लिम नेताओं ने राहुल गांधी से आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि आप सिर्फ मंदिर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो मुसलमानों को भुला ही दिया है। मुसलमान नेताओं की बात सुनकर राहुल गांधी ने कहा, मैं कर्नाटक में कई मस्जिदों में भी गया हूं, अब मस्जिदों में लगातार जा करता रहूंगा। खबर यह भी है कि उन्होंने कहा कि गुजरात में मंदिरों में गया था, उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। मांग ले माफी, तेरा काम तमाम तो होना ही है, जितना माफी मांगना मांग ले, क्योंकि तूने राम पर सवाल खड़ा किया था राहुल गांधी पप्पू खान, अब तुम्हारे साथ क्या होगा चुनाव में देखना। ईवीएम का बटन दबाते रहिएगा, जब दबेगा ना तो याद रखिएगा, ये वही है राम विरोधी, ये वही है कृष्ण विरोधी। तो जय श्री राम और राधे राधे कहते हुए आप जाइएगा चुनाव देने के लिए राधे राधे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए, और बता दीजिएगा कि हम अब की बार किसको चुनकर आए हैं और किसको आखिरी मिट्टी देकर आए हैं। मिट्टी दिया जाता है आपको बताना मुसलमानों में, तो कांग्रेस पार्टी को मिट्टी जरूर दीजिए, ये शुभ का काम होता है। मुसलमानों में क्या कहा जाता है मुझे इतना ज्ञान नहीं है और ना ज्ञान रखना चाहता हूं। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी यहां तक भी कह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में छपने वाले उर्दू अखबार दैनिक अखबार जो था इंकलाब ने 12 जुलाई 2018 को बहुत बड़ा खुलासा किया था। फ्रंट पेज पर खबर छापी गई थी कि 11 जुलाई को राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ सीक्रेट मीटिंग में कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। इसके साथ ये भी खबर छपी थी कि राहुल गांधी ने कहा कि उनका उनकी मां का कमिटमेंट है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए और इससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। सरिया अदालत लागू करने के लिए राहुल ने वादा किया है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगे भी मान ली हैं। बताया गया है कि उस समय राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर वे 2019 में देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में हर जिले में सरिया अदालत बनाने की मांग पूरी कर देंगे। ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही सोनिया गांधी है, आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ईवीएम का बटन दबाने जा रहे हैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि साहब आप सभी जब ईवीएम का बटन दबाने जाएं तो ये वही राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जब 1991 में सत्ता में आए तो राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था। याद करिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी को विध्वंस किया गया था और 1991-90 में तेज था राम मंदिर का आंदोलन। सोनिया गांधी ने पीवी नरसिंहा राव की सरकार बनते ही सबसे पहला जो काम किया, जैसे किसी सरकार की प्रायोरिटी होती ना कि फर्स्ट कैबिनेट में फैसला लेंगे, पहला काम किया वर्शिप एक्ट लेकर आई। वर्शिप एक्ट क्या था कि जो भी मंदिर मस्जिद जहां जिस स्थिति में है 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाएगी, क्योंकि हिंदू जाग चुका था,
हिंदू काशी मथुरा अयोध्या सब जगह अपने मंदिरों को वापस चाह रहा था, जो मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा था उन मंदिरों को वापस लेना चाहता था। लेकिन सोनिया गांधी ने वर्सिप एक्ट 1991 ला करके हिंदुओं के पैरों में हाथों में बेड़िया डाल दी और कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा। और आज राहुल गांधी क्या कह रहा है कि हम सरिया अदालत हर जिले में सरिया अदालत बुलाएंगे। वक्फ बोर्ड 1995 में एक बनाया गया और हर जिले में वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, हर राज्य में वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया और वो वक्फ ट्रिब्यूनल हिंदुओं की संपत्तियों को खुली छूट दे दी गई। हमारी बातों को गलत प्रूफ कर दीजिए, अगर आप चमचे हैं तो गलत प्रूफ करिए कमेंट बॉक्स में। मैं आगोश में आकर ये बातें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जगाना चाहता हूं, झकझोरना चाहता हूं, आपको आपकी शक्तियां दिलाना चाहता हूं कि अब की बार 20 भी नहीं पार, अब की बार 20 भी नहीं पार कांग्रेस के लिए नारे लगाइए, क्योंकि राम पर सवाल खड़ा किए थे 50 के अंदर आ गए, अब की बात कृष्ण के पर सवाल खड़े किए हो 20 के अंदर भी नहीं आओ, 20 के अंदर कहने के 20 का आंकड़ा भी टच करना बहुत बड़ा तुम्हारे लिए हो जाएगा राहुल गांधी, कृष्ण पर सवाल खड़े किए हो। राधे 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 बोलने से ही और राम राम बोलने से ही व्यक्ति अगर उस पर सवाल खड़े कर दे तो उसका काम तमाम होना तय है। अब ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि इस वीडियो को हर एक फोन को तक पहुंचा दीजिए और राधे राधे जय श्री राम कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए और राहुल गांधी तक वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को बता दें आज हम कि राहुल गांधी पहले अपना डीएनए टेस्ट करा के पता कराएं कि फिरोज खान के जो पोते होंगे वो कौन होंगे, जनेऊधारी होंगे। आज मैं मानस मिश्रा हूं तो मेरे पिताजी का भी नाम मिश्रा है आता है, मेरे दादाजी के नाम के भी आगे मिश्रा आता है, उनके भी पिताजी के यहां मतलब मेरे पूर्वजों के नाम के आगे मिश्रा ही आता है, लेकिन राहुल गांधी के फिरोज खान और फिरोज गांधी, उसके बाद उनसे ये कुछ मिसमैचिंग का बड़ा वो है। आप सभी से सिर्फ इतना चाहेंगे इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, हम इस तरह की खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप सभी से चाहेंगे कि जितना हो सके हमारे हाथों को सख्त करें, मजबूत करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे फोन पे पेटीएम के माध्यम से भेजते रहें, बने रहें वर्ल्ड न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।